हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नो राहुल। तो लगभग 2 महीने हो चुके हैं इस स्कूटी को यहाँ पे खड़े हुए, तो इसको मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। लगभग गर्मी था यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ पे, और लॉकडाउन भी था, पार्शियली लॉकडाउन, तो इसके कारण मैंने स्कूटी को निकाला भी नहीं, स्टार्ट भी नहीं दिया। दो महीने प्लस हो चुका है। तो अगर आप लोग का स्कूटी भी इस तरह आपने नहीं चलाया होगा 2-3 महीने 1 महीने, तो उसके बाद आप लोग डायरेक्ट उसको स्टार्ट मत दीजिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ इस वीडियो में क्या क्या करना पड़ता है इस तरह ज़्यादा टाइम लॉन्ग टाइम स्कूटी को नहीं चलाने से। आप उसको डायरेक्ट स्टार्ट मत देना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो पहले देख लेते हैं इस पे पेट्रोल है कि या नहीं। तो आप देख सकते हैं मेरा स्कूटी 21,410 चल चुका है, तो पेट्रोल है। तो उसके बाद चेक करना है इसका इंजन ऑयल। इंजन ऑयल बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बिना चेक किए स्कूटी को स्टार्ट मत कीजिए। तो इंजन ऑयल चेक करने के लिए आपको टूल्स की ज़रूरत होगी, तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे स्कूटी पे क्या क्या चीज़ है। तो हेलमेट मैंने धोखे रखा है, बहुत दिन से यूज़ नहीं किया, इसके कारण मैंने वो वॉशिंग पे देखे, वो धूप में सुखाने के लिए रखा हो। तो आप देख सकते हैं ये है रेनकोट, जो वन टाइम यूज़ के लिए आता है, क्वालिटी लो है पर इमरजेंसी के लिए काम आता है। तो आप देख सकते हैं जो ज़रूरी जो टूल्स है सभी यहाँ पे मेरे पास है, जैसे कि ये प्लास है और कुछ स्क्रू ड्राइवर, ये सब यहाँ पे है। तो ये सब मैं सभी टाइम अपने साथ रखता हूँ, जब कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है इसका काम। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग रखा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये 60-70 रुपीज़ का है। तो आप देख सकते हैं बोस कंपनी का, तो कभी भी इसके कारण कभी भी आपका स्कूटी स्टार्ट नहीं होगा ये अगर फॉल्टी रहेगा तो। तो ऑयल चेक करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कैप है इसको खोलना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। इससे आप इस पर लगा के एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है सिर्फ, इसके बाद इसको खोल लेना है। खोल के इसको आप ऑयल चेक करने से पहले आप इसको पहले थोड़ा कपड़ा मार दीजिए, तो इस पर जो लगा हुआ ऑयल रहेगा वो सब चला जाएगा। तो ऑयल का लेवल चेक करने के लिए आपको देख सकते हैं यहाँ पे डिज़ाइन बना हुआ है सामने तक, तो इसके आसपास होना चाहिए ऑयल। तो आपको सिर्फ यहाँ पे दोबारा जहाँ पे है वहाँ पे घुसा देना है, फिर थोड़ा टाइट करके फिर खोल लेना है, फिर चेक करना है। आप देख सकते हैं मेरा हाफ तक है ऑयल, तो इससे पता चलता है कि मेरा स्कूटी पे ऑयल कम है, पर इससे काम चल जाएगा, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। आपका भी ऐसा कम होने से आप उसको रिफ़िल कर दीजिए या फिर चेंज ही करा दीजिए, फिर उसको लगा के थोड़ा टाइट कर दीजिए। उसके बाद आप चाबी लगा सकते हैं यहाँ पे लगा के। पहली बार आप सेल्फ नहीं करना है और चोक भी नहीं करना है, सिर्फ आप किक का यूज़ कीजिए, क्योंकि किक का यूज़ करने से बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा तक चलता है। जैसे कि मेरा स्कूटी का लगभग 6 साल हो गया है, अभी तक बैटरी पे कोई इशू नहीं है, एक सेल्फ में स्टार्ट लेता है, कभी भी दिक्कत नहीं देता है बैटरी। तो इसका मेन ही कारण है मैं इसको सुबह सुबह किक से स्टार्ट लेता हूँ, सुबह सुबह सेल्फ मारने से थोड़ा बैटरी पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो पहले किक पे तो नहीं लिया, दूसरे किक पे ले लिया, तो सेकंड टाइम इसने स्टार्ट लिया। तो अगर आप
का स्टार्ट होने के बाद मतलब जो स्कूटी है वो आइडल पे स्टार्ट नहीं रह पा रहा है, मतलब ऑफ हो जा रहा है, थोड़ा देर स्टार्ट रह के उसके बाद ऑफ हो जा रहा है, तो उस केस में आप इसका जो स्लो रेस है उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो स्लो रेस कैसे बढ़ाना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे इस स्कूटी का स्लो रेस बढ़ाना है। अगर आप स्लो रेस बढ़ाना नहीं जानते तो सिर्फ आपको थोड़ा सा एक्सेलेटर करके आपको रख लेना है। थोड़ी देर गर्म होने के बाद ये ऑटोमेटिक अपने आइडियल पोजीशन पे आ जाएगा, उसके बाद ऑफ नहीं होगा। तो मेरा जो स्कूटी है वो पूरी तरह मैं केयर करके रखता हूँ, इसके कारण ये सेकेंड टाइम किक मारने से भी स्टार्ट हो गया है 2 महीने बाद भी। तो इसको आप टाइम टू टाइम इसका जो मोबिल है वो चेंज कीजिए, उसका जो जितना भी एयर फिल्टर है, इसमें 2 टाइप का एयर फिल्टर है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों एयर फिल्टर चेंज कराना ज़रूरी है। उसमें एक मोबिल फिल्टर भी आता है, उसका भी मैं आपको दिखा दूँ। ये जो नट है आप देख रहे हैं इसके अंदर मोबिल फिल्टर भी है, इसका गियर ऑयल भी होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो नट है इसको खोल के आप गियर ऑयल चेंज कर सकते हैं। तो वो 10-15 हज़ार चलाने के बाद आप चेंज कर सकते हैं या टॉप अप कर सकते हैं, इसलिए इतना मेजर इशू नहीं है। पर आप मोबिल टाइम टू टाइम 2000-3000 किलोमीटर चलने के बाद चेंज कर दीजिए। तो देख सकते हैं मेरा अभी स्कूटी अभी थोड़ा थोड़ा हीट हो गया है, मैं अगर लाइट भी ऑन करूँ तो ये ऑफ नहीं होगा। तो इसका जो स्लो रेस है वो पूरा स्टेबल पोजीशन पे है, तो इसके कारण ये ऑफ नहीं होगा। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर बाहर जाके चलाता हूँ ताकि इसका जो इंजन है थोड़ा हीट हो जाए, बहुत दिन से मैंने इसको चलाया नहीं है। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो एविएटर है इसका स्लो रेस या ऑयल जो मिक्सचर ऑयल और एयर का मिक्सचर का एक नट रहता है उसको एडजस्ट करने के लिए आपको पूरा खोलना नहीं पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक दिया हुआ है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, यहाँ से इसको खोल लेना है, देख सकते हैं ये खोल गया है। तो यहाँ पे खोल के ये जो थोड़े भर है इसको इधर से एक आपको होल दिखाई देगा, ये 2 होल दिखाई दे रहा है, आप नीचे से जो होल है उसमें घुसा के यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपका, आपको दिखाता हूँ मैं लाइट जला के, आप देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर। और तो आप यहाँ पे देखिए ये जो नट है, जो ये है स्लो रेस का नट, और जो ऊपर ये वाला है ये है ऑयल और एयर का मिक्सचर का नट। तो ऊपर वाला नट को आप ना छेड़े तो बेहतर है, और ये जो नीचे वाला जो नट है ये वाला, ये है स्लो रेस का नट। अगर आपका स्कूटी आइडल पोजीशन पे स्टार्ट नहीं रह पा रहा है तो इसको थोड़ा टाइट कर दीजिए, तो क्लॉकवाइज घुमा दीजिए थोड़ा सा, तो आपका तो रेस है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद ये ऑफ नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगा कि कैसे उसको एडजस्ट करना है। तो देख सकते हैं मेरा सारा चीज़ है जो ज़रूरत है मैं यहाँ पर रखता हूँ। ये जो है इससे पूरा स्कूटी का जितना भी नट वाला सिस्टम है, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 10 नंबर का ये बोल्ट, सारा बोल्ट खुल जाएगा इससे। और यहाँ पे ये वाला जो आप थोड़ा बेंड हो चुका है अभी तक यूज़ करने के बाद, ये आपको यूज़ आएगा, ये 16 नंबर, ये आपको यूज़ आएगा मोबिल ड्रेन देने के टाइम पे। यहाँ पे देख सकते हैं मोबिल का नट ये वाला, तो इसको ड्रेन देने के टाइम पे ये 16 नंबर का काम आएगा। और ये जो इससे आप मोबिल का जो लेवल है उसको खोल के मोबिल चेक कर सकते हैं टाइम टू टाइम, ये सब ज़रूरत का चीज़ आप अपने स्कूटी पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पूरा स्कूटी का डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे जो कंपनी से आया किट टूल किट है वो तो ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है, थोड़ा थोड़ा यूज़ करने से भी ये टूट जाता है, इसके कारण मैं ये सब रखता हूँ स्कूटी पे। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग अपना स्कूटी 1 महीने से 2 महीने से नहीं चला रहे तो उसको कैसे, ऐसे पहले आप उसका मोबिल चेक कीजिए, उसके बाद उसको किक करके स्टार्ट लीजिए, सेल्फ मत कीजिए, तो आपका जो बैटरी है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलेगा। तो थैंक यू, बाय बाय।